इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ नेगेटिव मार्किंग एंड देन टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड प्लस हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे वहां पर जाके कमिट करते हैं जो आपको लॉ को कमिट नहीं करनी है चलिए स्टार्ट करते आज के सेशन के साथ हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है देखिए आप अपने पूरे एग्जाम को फर्स्ट वे इज फर्स्ट वे और मेथड इज कि आप अपने पूरे एग्जाम को एक ही समझे ऐसा मत समझे कि वो डिफरेंट uh, सेक्शन में डिवाइडेड है उसको एज ए यूनिट ट्रीट करें एज अ वन सेक्शन ही ट्रीट करें और इसके अंदर आप क्या करें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाए जो आपके हंड्रेड परसेंट वाले क्वेश्चन है मतलब जो आपको शॉर्ट शॉर्ट है कि हाँ इसका आंसर तो यही है जो मैं माफ कर रही हूँ ठीक है ना तो उनको फटाफट से उनकी बबलिंग कर दीजिए ठीक है ना उसके बाद जब आपने ये फर्स्ट राउंड के अंदर हंड्रेड परसेंट वाले कर दिए तो आपने फर्स्ट राउंड के अंदर ये भी करना है कि जो रिजेक्ट करने हैं वो रिजेक्ट कर दिए कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको पता है कि हाँ, ये मुझे नहीं आते इनके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है या ये टॉपिक ही मैंने कवर नहीं किया जीके के अंदर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा तो हम उनको क्रॉस आउट कर देंगे अपने फर्स्ट गो के अंदर ही ठीक है ना तो ये हमारे क्रॉस आउट हो गए रिजेक्ट करने बहुत जरूरी है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है तो हमें guess, हम वाइल्ड गैसिंग नहीं कर सकते ठीक है ना तो नेगेटिव मार्किंग भी है तो हम टेक भी करते जाएंगे क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें लगता है कि हाँ ये अगर हमने थोड़ा टाइम लगाऊं तो मुझे याद आ जाएंगे या कुछ ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जो 50-50 वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं फिफ्टी फिफ्टी वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं जैसे ए बी सी एंड डी मुझे पता है कि सी और ए में से तो आंसर पक्का नहीं है तो मुझे अब बी और डी में से चूज करना है तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैं अपने सेकंड सेकेंड राउंड में क्या करूंगी ये फर्स्ट राउंड के अंदर हंड्रेड परसेंट वाले कर दिए बट फर्स्ट राउंड के अंदर मैं जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे से हो जाएंगे तो वो मैं मार्क कर दूंगी और फिर सेकेंड राउंड के अंदर मैं अपने ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करूंगी ठीक है ना अब जब बार बार जब सेकेंड टाइम आप आते हो ना तो चांसेस रहते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर देना था वो आप राइट कर दो क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो चीजें चलती रहती हैं और बाद में हमें याद आ जाती हैं एंड क्योंकि आप हंड्रेड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे कि हाँ बहुत पेपर तो मैंने कर लिया है अब मुझे बस वही क्वेश्चन करने हैं जिसके अंदर मुझे फिफ्टी फिफ्टी वाले करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मार्किंग के

पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम टूटिकुलर से मेथी पेपर लीजिए पेपर उठाइए एंड ट्राई करके देखें चाहे आप दो सेक्शन ही ऐसे ट्राई करके देखें कि, देखे कि आपसे कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है अभी भी आप कर सकते हैं आई लीव अ लिंक ऑफियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर ट्राई करके जाना ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है ये वाला ठीक है बट आपको ट्राई करना पड़ेगा ठीक है ना अगर ये वाला मेथड नहीं अच्छा लगता है तो आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं बात आती है कि अगर आप मेथड से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आती है बात सीक्वेंस की इवन फर्स्ट मेथड में भी अगर आप चाहते कि पहले मैं कोई और करूं करूँ तो वो भी कर सकते हो तो अब सीक्वेंस के अंदर आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट है एवी सेक्शन देन ए लाइटर सेक्शन अब यहाँ पर हम या तो इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से क्योंकि यही हमारे दो हैवी सेक्शन है यहाँ पर तो आप पहले या तो लॉजिकल अटेम्प्ट लीगल लॉजिकल या फिर इंग्लिश uh, कर, uh, कर लीजिए क्योंकि लॉजिकल और लीगल का सेक्शन आपका एक साथ है इस पेपर के अंदर ठीक है और जी के आप बीच में डाल लीजिए फिर इन दो आप थर्ड टॉपिक जो भी आपका इन दोनों में से बच गया वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं थर्ड स्लॉट के अंदर ठीक है ना अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका या फिर कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहले उठाते हैं या फिर जो उनको तब इजी लग रहा होता है ठीक है ना फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग के ज़्यादा भी बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि वो फटाफट से पेपर देख लेते हैं और जो उनको ईजी सेक्शन लगता है उस टाइम पर कि हाँ ये सेक्शन बहुत ईजी है वो उठा कर वो कर देते हैं क्योंकि वो सेक्शन उनको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ इतने नंबर तो मेरे बन गए हैं तो ये भी आप कर सकते हैं हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग ठीक है ना अब नेगेटिव मार्किंग में बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा गेसिंग कर कर आ जाते हैं वो रैंडम

ठीक है तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है सॉल्व द सेक्शंस इन टू राउंड्स ये वाला मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्टली हंड्रेड परसेंट करेक्ट एंड फिफ्टी परसेंट करेक्ट ठीक है ना तो अब हंड्रेड परसेंट करेक्ट और फिफ्टी परसेंट करेक्ट क्या है देखो एक तो हंड्रेड परसेंट वाला क्वेश्चन तो मेरा ये हो गया जिसके अंदर मुझे पक्का से पता है कि बी मेरा आंसर है ए सी डी मैं क्रॉस आउट कर पा रही हूँ ठीक है ना अब एक मेरा क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी मेरे पास ऑप्शन है और मैं क्रॉस आउट कर पा रही हूँ सी और डी ठीक है अब मुझे ए और बी वैसे गैस करना है तो ये वाले क्वेश्चन को मैं

ठीक है अब मान लो आपके अटेम्प्टी अटेप्टेशन बहुत ही कम है आपने क्वेश्चन ही सिर्फ फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन आपको पता है सिलेक्शन होगा ही नहीं तब आप ये वाले पार्ट के क्वेश्चन ऑप्ट कर कर आओगे जिसमें आप एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हो ठीक है ना नहीं तो अगर आपके अटम्पटेशन बहुत अच्छी चल रही है आपको लग रहा है कि हाँ मेरे मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए नेगेटिव मार्किंग लगाकर भी मेरी इतनी स्कोरिंग हो रही है ये भी आपको देखना पड़ेगा मेरे 100% वाले क्वेश्चन इतने बन रहे हैं। इसकी भी आप एक टेबल बना सकते हो 50-50 वाले इतने बन रहे हैं। और फिर कैलकुलेट कर सकते हो इतने के अराउंड वर्क मेरे मार्क्स बन सकते हैं ठीक है ना अगर मेरे ये सही होते हैं अगर गलत होते हैं तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ठीक है ना तो ये रैंडम गैसिंग के लिए नहीं जाना रैंडम गैसिंग करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ट्राई करो कि जब आंसर पे किराट तो कर कर आप आंसर पे अराइव करो ठीक है काउंट काउंट ऑफ करेक्ट एंड वाले का भी रखो कि इतना मेरा अराउंड अबाउट स्कोर बन रहा है ठीक है ना और फिर आप देखो कि हाँ मतलब पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी क्या मैं उसके आसपास चल रही हूं या नहीं या मेरा स्कोर बहुत ही नीचे है इसमें तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा तो ये आपको कैलकुलेशंस अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी ओके लास्ट ईयर की कट ऑफ देखे तो हंड्रेड प्लस कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर का पेपर भी थोड़ा इजी था तो हंड्रेड प्लस हंड्रेड फाइव प्लस के अराउंड आपको एम करना पड़ेगा अगर आपको एलेट क्लियर करना है टाइम मैनेजमेंट अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एन एल डेली की टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर में जाकर ही डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज न्यू पैटर्न है पैटर्न चेंज हुआ है न्यू पैटर्न की वजह से आई कैन नॉट गिव यू अ शॉर्ट टाइम स्लॉट कि हाँ इतने में इतना करना पड़ेगा बिकॉज बहुत चीजें क्लियर नहीं है फॉर एग्जाम्पल हमें इतना पता है कि जो इंग्लिश है वो फिफ्टी मार्क्स की है ठीक है वी नो दैट कि इंग्लिश फिफ्टी मार्क्स की मार्क्स इंक्रीज हुए सो देर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हो गए फिफ्टी क्वेश्चन हो गए तो हमें ये नहीं पता कि ओनली

तो आप 25 फाइव टू ट्वेंटी सेवन मिनट में अपना इंग्लिश कर दोगे एंड फिर आपके जीके के अंदर थर्टी क्वेश्चन ही हैं बस तो थर्टी क्वेश्चन को आप टेन मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो इससे ज़्यादा का टाइम नहीं ज़्यादा से ज्यादा ट्वेल्व मिनट्स का टाइम दोगे एंड यू आर डन ठीक है उसके बाद आप अपने लॉजिकल रीजनिंग पे आ सकते हो जिसके अंदर सेवेंटी मार्क्स हैं और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही लॉजिकल एप्टीट्यूड वाले पार्ट के अंदर ही आपके लीगल प्रिंसिपल टाइप वाले क्वेश्चन भी होंगे सेवेंटी क्वेश्चन यहाँ पर है तो बाकी सारा टाइम मतलब आप थर्टी प्लस 40 40 मिनट्स यहाँ पर कर कर उसके बाद आप तो आपके पास अराउंड अबाउट 53 थ्री टू फिफ्टी मिनट्स बच जाएंगे मतलब 50 मिनट्स आप फिर अपने ये 70 मार्क्स जो आपका है 70 क्वेश्चंस जो हैं इनको आप दोगे ठीक है ना तो अब वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन आरसी बेस्ड आते हैं ठीक है ना और फिर भी आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते फिर तो फाइव टू सेवन मिनट्स जो आप यहाँ पे दे रहे हो यहाँ पे आपको फाइव फाइव मिनट्स के अंदर फटाफट से आरसी निपटाने पड़ेंगे तो इंग्लिश को आप चाहे कुछ भी हो जाए ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट दे ही नहीं सकते जीके आपको फिक्स करना पड़ेगा टेन मिनट्स पे और बाकी सारा टाइम आपको देना पड़ेगा लॉजिकल पे बिकॉज यहाँ पे भी हम ये वाला पार्ट हम लेंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे लेंदी हो सकता है जो प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन होंगे ठीक है ना वो वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं तो हमें अपना टाइम लॉजिकल रीजनिंग के लिए बचा के रखना पड़ेगा और इंग्लिश के अंदर हमारे नॉर्मल एमसीक्यू टाइप वाले जो क्वेश्चन है उनपे हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना फटाफट से हमें आंसर देना पड़ेगा तो आपको वहां पर जाकर अपना टाइम सेटलमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ठीक है ना तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली मैं आपको नहीं दे सकती हूँ बट यस करंट अफेयर्स पे टेन मिनट से ज्यादा मत लगाना फटाफट करंट करंट अफेयर्स कर कर खत्म कर देना आता है नहीं आता है वाइल्ड गैसिंग मत कर कर आना बहुत बच्चे क्लाट के अंदर वाइल्ड गैसिंग कर, कर आए जिसकी वजह से उनका स्कोर और कम हो गया है ठीक है ना सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स के अंदर सबसे पहले तो जो पैसेज टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे उसके अंदर मैं आपको ये करूंगी कि प्लीज सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना विदाउट ऑप्शन पढ़कर फिर पैसेज पढ़ने जाना सो so दैट आपके दिमाग में पता हो आपके दिमाग को कि आपने किस टाइप के आंसर्स देने हैं पैसेज पढ़ने के बाद उसी टाइप से आप अपना पैसेज पढ़ो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा एंड जब आप पैसेज पढ़ रहे हो जब आपको लगेगा कि इन लाइन्स के अंदर मुझे आंसर मिल सकता है उसको अंडरलाइन जरूर करें सबसे पहला टिप तो मेरा ये है ठीक है उसके बाद मैं आपको कहूंगी फिर आप पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पे आइए एंड रीड द क्वेश्चंस एंड फिर ऑन लाइंस पे वापस जाइए अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड देन गिव द आंसर और, और कोई जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं जहां पर आपको लिखा हो ट्रू फॉल्स ठीक है अजंपशन मेन टोन ठीक है आर्ग्यूमेंट जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वो मार्क कर लीजिए बिकॉज अगर आप मार्क कर लेंगे तो उससे आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि आपको क्या आंसर करना है और क्वेश्चन आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा देयर बाय टाइम बचेगा आपका बहुत टाइम सेव होगा वोकेबलरी वाले क्वेश्चन में पैसेजेस के अंदर जो आते हैं पूरी की पूरी लाइन पढ़ पहली लाइन उसके बाद वाली लाइन पढ़कर वोकेबलरी के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो वोकेबलरी का एंड एलिमिनेशन के थ्रू आंसर पे अराइव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लीगल रीजनिंग मार्क द दस ऑफ द लॉ प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ ठीक है ना तो जो है उनको मार्क कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं ठीक है मैथ्स और लॉजिकल कैलकुलेशन नीट करिए कभी कभी आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे बीच में और आपको वापस आकर सॉल्व करना पड़े तो आप बड़े आराम से वो कैलकुलेशन देख सके ठीक है और कभी कभी हमें वापस कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती है जो इन्फॉर्मेशन हमें पर्जल टाइप ऑफ क्वेश्चन में से नोट करनी होती है वो भी आप Even, uh, मतलब क्लीन नीटली uh, करें तो वो ज्यादा सही रहेगा करंट अफेयर्स के अंदर ट्राई करें कि क्वेश्चन पढ़ें विदाउट ऑप्शन और फटाफट से अपने हेड में विद इन टू सेकेंड्स क्वेश्चन का आंसर कर दें फिर ऑप्शन पे जाए बिकॉज कभी कभी ऑप्शन हमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूज करने के लिए ड्रॉप करी जाती है तो अगर हम पहले आंसर कर देंगे ऑप्शन देखे बिना तो वी विल नो कि क्या आंसर है ठीक है ओके okay. बोनस टिप्स ठीक है बोनस टिप्स के अंदर ओएमआर ओएमआर शीट को साइड बाय साइड ही मार्क करें क्लैट के अंदर भी बहुत बच्चे ये मिस्टेक कर कर आए हैं कि उन्होंने ओएमआर शीट साइड बाय साइड नहीं मार्क करी दे बाय दे लॉस्ट 4 टू 5 मार्क्स और 4 टू 5 मार्क्स लूज करने से ही उनका जो स्कोर है जो रैंक है वो सब कुछ उलट-पुलट हो गया तो साथ-साथ में बबलिंग करें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें ट्रू पूछा है फॉल्स पूछा है अजम्पन पूछा है आर्ग्यूमेंट पूछा है क्या पूछा है यू शुड मार्क दैट नो वेन टू जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कहो कि मेरा ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग तो मेरी बहुत स्ट्रांग है इसका तो आंसर मेरा सही आता है हमेशा एंड आप उस क्वेश्चन को uh, के साथ यू you नो know, चिपक जाते हो आप उसके साथ स्टक हो जाते हो तो ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी बिकॉज आपके पास क्या पता वो क्वेश्चन डाला ही इसलिए गया हो कि टाइम वेस्ट करने के लिए आपका डाला हो हो तो आपको अपने साथ कोई भी ऐसा नहीं कहना है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट फेवरेट है आप उस क्वेश्चन को टाइम दे चुके हो तो इट कि आपको यह आउट करना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम बाद में होगा तो यू कैन कम बैक टू क्वेश्चन बट फॉर नाउ यू नीड टू लीव द क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद सम थिंग्स यू नीड टू टेल यू आरसे बिफर द एग्जाम्प देखे वहां पे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर नहीं पता होगा तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप वहां पे इसलिए जा रहे हो कि आपको वो क्वेश्चन ढूंढ कर फटाफट से आंसर करने हैं जिनका आपको आंसर आता है ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे ईजी क्वेश्चन भी होंगे पेपर जो सेट करते हैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चन डालते हैं ठीक है डोंट स्टिक टू क्वेश्चन वो टाइम वेस्ट करने के लिए आपके वहां पर ड्रॉप करे होते हैं क्वेश्चन तो आपको अगर एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट

गिल्ट uh, में रहकर पेपर देकर आने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है वेन एवर इन प्रॉब्लम आज के ऑर्से वॉट बेस्ट आई कैन डू ठीक है जब भी पैनिक एंगजाइटी होगी अरे 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 कैसे होगा तो बस ये दे, देखो अगर ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं है तो ये देखो ये सोचो कि हाँ अब मतलब ये देखो पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ इन स्टेड वहाँ पे पैनिक करने की, इतने के इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए इतने नहीं किए ठीक है लुकिंग एट अदर्स एंड थिंकिंग दे नो एवरी थिंग और हैव सॉल्व मोर क्वेश्चन एंड मी ये सबसे बड़ी स्टूपिलिटी है क्लास में भी बहुत बच्चे कर कर आए हैं ये आपको क्या बता के जो आगे वाला आंसर दे रहा है वो सही है गलत है ठीक है और जो बुकलेट नंबर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो शफल के होते हैं क्वेश्चन सेम ही आते हैं बट वो शफल कर देते हैं ताकि आप कॉपी ना कर पाएं ठीक है ना तो जो बच्चे ये करते हैं कि अरे उसने फर्स्ट पे तो डी मार्क किया मैंने ए मार्क किया तो मैंने गलत किया है उस पर दिमाग मत लगाइएगा ठीक है एंड यू नेवर नो कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप अपने पेपर पे ध्यान देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहे सो गाइज दैट्स इट फॉर डिटेस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पे हिट कर देना कॉमेंट एंड आस्क मी कि आपकी क्या क्वेरीज है आई विल ट्राई टू आंसर दैट्स इट दट साइनिंग ऑफ एल यू सुपर सुपरसून बाय एंड टेक केयर